नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये आज का हमारा होटल है और ये मेरा रूम 101 नंबर। आप देखें तो पंखा चल रहा है और मेरा सामान यहाँ रखा हुआ है। चारों तरफ टीवी लगा है, एक टेबल है, एक कुर्सी है, एक बेड है, शीशा लगा हुआ है और ये आपको मच्छर भगाने के लिए भी है। और ये मैंने लगा रखी है मच्छर भगाने की। और ये अटैच बाथरूम आपको यहाँ मिल जाता है। तो इस तरह से ये रूम हमने 400 रुपये में लिया है, स्टेशन के बिल्कुल सामने ही है, तो आप यहाँ रुक सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे गया शहर को। गया में अभी हम हैं और रेलवे स्टेशन के सामने हमारा होटल है। तो गया शहर को हम देखने वाले हैं। बने रहे पूरे वीडियो में और मेरे साथ में इस पूरे वीडियो को एंजॉय करें। गया शहर को देखते हैं, चले आइए। और ये हमारा होटल है, होटल तिरुपति रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस। और ये सामने स्टेशन है, इधर चलते हैं तो सामने ही आगे स्टेशन है। आइए ऑटो में चलते हैं और मार्केट घूम के आते हैं। ये हमने ऑटो में शुरू कर दिया हमारा सफ़र आज का। गया को देखना है, बने रहे पूरे वीडियो में और पूरे गया शहर को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये ऑटो वाले भैया और भी सोनिया बैठी है, ये बच्ची भी एक बैठी है साथ में। और ये ऑटो वाले भैया ने हमें यहाँ छोड़ दिया। ये आप देखें, मुरापुर रोड, BNI झा रोड, न्यू गोदाम रोड। और ये यहाँ का ऐसा व्यू है। और ये सामने एक हॉस्पिटल है और इधर चला गया ऑटो वाला। तो और यहाँ एक ये पुराना सा मंदिर स्ट्रक्चर दिख रहा है, आइए इसको देखते हैं सामने से। काफ़ी पुराना मंदिर लगता है लेकिन अभी बंद है। देखेंगे ये लेकिन यहाँ ताला लगा हुआ है। तो आइए आगे चलते हैं। ये भैया यहाँ मूंगफली बेच रहे हैं, तो मूंगफली लेते हैं। भैया मूंगफली कैसे थी? है 40 की पाव है, 250 ग्राम 40 की है, तो दे दीजिए। मिर्चा दे दिए, सेकी हुई है ना? मीठा है वो, आप दे रहे हो। और ये लड्डू कैसे दे रहे हो? लड्डू 40 का पैकेट है। पैकेट 40 का, इसमें कितना है? 100 ग्राम है, 10-20 है। ओके, इधर एक और भी भैया बैठे। और ये पूरा मार्केट है, दे दीजिए। ये क्या डाला? ये रहने दीजिए, मिर्ची नहीं चाहिए, मिर्ची निकाल दीजिए। नमक दे दो। हाँ नमक छोड़ दीजिए, यहाँ नमक देते हैं साथ में। और भैया ने मिर्ची दिया, ये मैंने पहली बार देखा कि मिर्ची भी डाल रहा, नहीं तो मिर्ची नहीं डाली किसी ने, आपने डाली है मिर्ची। धन्यवाद आपका। एक वो भी दे दो, वो वाला लड्डू वाला। लड्डू कितने का है? 40 का लड्डू है, 40 की मूँगफली होगी, ठीक है। और ये यहाँ का मेन रोड है, GB रोड। और इस पर बहुत सारे यहाँ पर आसपास हॉस्पिटल, नर्सिंग होम बहुत सारे हैं। जैसे ये देखिए GB रोड गया, और एक इधर ये नर्सिंग होम है, ऐसे ही नर्सिंग होम बहुत सारे हैं। इधर भी ये नर्सिंग होम है, सागर रजक डॉक्टर है। और यहाँ ये बॉयल नहीं है, ये उगे हुए चने हैं। भाई चने बेच रहा है, उगे हुए चने। और इधर अंडे हैं, प्याज पहले से काट के रखा है। प्याज पहले से काट के रखे हैं तो ख़राब हो जाता है। प्याज कटा हुआ पहले का मैं खाना थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ यदि पॉसिबल है तो। और ये खाना यहाँ पर मिल रहा है। इधर भी एक होटल है और ये दो खाने के होटल। और ये सामने भी एक होटल है, आप देखे दिए, पेड़ के नीचे भी होटल है, खाने के होटल बहुत सारे हैं।
ये यहाँ आप देखें कुछ पुराना स्ट्रक्चर भी है, ये देखें ये कुछ पुराना स्ट्रक्चर है, ये भी पुराना है। और ये आगे कुछ देखें, आगे ये ईंटें लगी है, ये नया है। तो नया पुराना दोनों ही मिक्स है। जीबी रोड यहाँ का मेन रोड है उसके ऊपर। और ये यहाँ फास्ट फूड कुछ है, देखते हैं, खाना भी खाना है अभी। और ये दवाइयों की दुकान है यहाँ पर। ये क्या है? तिलकुट सिंगाड़ा। तिलकुट सिंगाड़ा मीठा होता है? ये मीठा है। ये क्या क्या भाव देते हो? 80 रुपये पाव है। ऐसा टेस्ट इसको चेक करना पड़ेगा, मैंने टेस्ट चेक नहीं किया। ठीक है देखते हैं। तिलकुट सिंगाड़ा ये यहाँ का लोकल फूड हो गया। और ये समोसे वाले भैया, और ये यहाँ पर गोल पत्थर चौराया, यहाँ हमें ऑटो वाले ने छोटा सा स्टेशन से लेके आई है, स्टेशन का रास्ता। और ये इधर मार्केट का रास्ता जिधर हम अभी घूम के आए। और इधर और मार्केट, इधर चलते हैं देखते हैं आगे क्या है। और ये यहाँ बर्गर के लिए भीड़, बर्गर का ठेला है जहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। आइए आगे चलते हैं, हमें बर्गर नहीं खाना है। और ये जय प्रकाश नारायण अस्पताल गया का बड़ा अस्पताल है, आप देखें ये जय प्रकाश नारायण। और ये इसके बाहर पूरा व्यू। और ये इसके सामने एक पुराना मंदिर, काफ़ी पुराना है ये भी मंदिर। आइए और आगे चलते हैं। और ये गया का आज़ाद पार्क, ये पार्क का मेन गेट है। काफ़ी अच्छा गेट बनाया है। इधर से हम आए हैं, आइए और आगे चलते हैं। और ये जय माँ तारा मंदिर है सामने ही। भैरव मंदिर, जय माँ अम्बे, ये यहाँ पर मंदिर है। आइए और आगे चलते हैं। और ये यहाँ का एक बीजी सड़क, बीजी चौराया, जिस पे सामने देखिए पुलिस खड़ी है और ये एक तरफ का यातायात कर रखा है। और ये यहाँ पर मंदिर है, ये देखिए काफ़ी झंडे यहाँ पर जय श्री राम के नारे के साथ लगे हुए हैं। और ये यहाँ का पूरा व्यू है, ये सामने मेन मार्केट है जिसमें वन वे ट्रैफिक है। और ये सामने का व्यू है, आइए मार्केट के अंदर चलते हैं। ये मार्केट यहाँ से शुरू हुआ वन वे से। और ये एक बड़ा सा पेड़ यहाँ पर। और ये कुछ मेडिकल की दुकानें हैं, ट्रेडिंग का है, ये होम्योपैथिक है। जीबी रोड, ये जीबी रोड पे हम चल रहे हैं। और ये सामने पूरा मार्केट है, आइए आगे चलते हैं। और ये यहाँ पर माशाल्लाह एक मस्जिद है, आप देखें एक मीनार बड़ा और एक मीनार इधर बड़ा, दो बीच के छोटे मीनार, और एक मीनार पीछे भी दिख रहा है। तो ये एक मस्जिद, यहाँ इधर से हम चल के आए हैं। और ये यहाँ मस्जिद के साथ में एक चौक है, एक चौराया है यहाँ पर। और ये यहाँ देखें सामने लिखा है इन्होंने, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो दया करेगा उस पर परम कृपालु की तरफ से दया की जाएगी। तुम ज़मीन वालों पर दया करो, आसमान वाला तुम पर दया करेगा। ये मोहम्मद साहब का कहा हुआ यहाँ लिखा हुआ है। और ये चौक, आइए आगे चलते हैं। काफ़ी भीड़ भाड़ वाला ये चौक। ये बहुत सारी यहाँ पर
लोग बेच रहे हैं। ये क्या है भैया? भैया ये क्या है? दांतून है, दांतून, दांतून है, दांतून है। देखो ये लाल है और ये हल्का है। कौन सा नीम का है? ये नीम है, ये नीम का है। और ये वाला ग्राम है, ये ग्राम है। ये दो कलर के हैं, ये देखिए इनके पास भी है और इनके पास भी है और वो भैया बैठे वहाँ उनके पास भी है। तो ये इस चौराहे पे बैठे हैं, ये देखिए काफ़ी भीड़ भाड़ वाला चौराया। और इसी चौराहे पे एक दुकान, ये देखिए कंडर कंडर है, इसी चौराहे के ऊपर ही है। इसमें बीजे चौराहे पे एक दुकान कंडर है, बाकी ये सब शोरूम बने हुए हैं। और ये यहाँ आप देखेंगे तो इधर का, आइए आगे चलते हैं इधर मार्केट के अंदर। ये भैया ने बताया कि इधर मेन मार्केट है, इधर भी मार्केट है, इधर भी मार्केट है, लेकिन इधर मेन मार्केट है। मेन मार्केट में बाद में चलते हैं, पहले इधर चलते हैं। सामने एक कुछ बना हुआ है, वहाँ तक चल के आते हैं, देखते हैं। ये मशरूम है ना? ओके, ये मक्का, ये आपने बताया मुरब्बा, और ये भी मुरब्बा। ये छोटा है थोड़ा सा साइज में। ये कितने का डब्बा? 80 रुपये का। और ये वाला? ये 60 का है, हैं? ये आप हो, और ये आपकी मिठाई है। सब मिठाइयाँ हैं ना, अच्छी मिठाइयाँ। ये 60 का है, ये एक ले लेता हूँ 60 वाला। ये 80 वाला डब्बा है, डब्बा ले लेता हूँ। ये भैया से ले लिया है, और भैया आज बताते हैं कि संडे की वजह से बहुत सारी भीड़ है। आप देखें तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं और पूरा मार्केट लोगों से फुल है, बहुत सारा क्राउड यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ के सब, ये सामने से एक और भी रोड है जिस पर पूरा मार्केट है। और इधर से अभी हम चल के आए हैं, ये सामने से, और हमें आगे चलना है। यहाँ भी देखिए कुछ बहुत सारे पुराने पुराने दिख रहे हैं। और ये देखिए, ये काफ़ी लंबा ऊंचा है लेकिन खंडर हो रहा है। और यहाँ एक और मीनार दिखी है, ये एक और मस्जिद यहाँ पर। आइए आगे चलते हैं थोड़ा और देखते हैं। ये दावत रेस्टोरेंट यहाँ पर, और ये लॉज वगैरह है। आइए और आगे चलते हैं। अभी हम इधर से चल के आए हैं, इधर एक ये मंदिर है, ताला लगा हुआ है। और इधर भी एक मार्केट है, ये भाई सेल लगा के बैठा है, जोर जोर से आवाज़ आ रही है। और पूरे मार्केट में ही आवाज़ है क्योंकि ये गाड़ियाँ बहुत सारी हैं, उनके हॉर्न के, उनके आवाज़। और ये देखिए यहाँ पर इसमें चलते हैं, पुराना यहाँ पर स्ट्रक्चर। और ये आप देखेंगे तो यहाँ पर ये कॉर्नर की हवेली है जो काफ़ी पुरानी लगती है। ये पास में ही मंदिर है, तो ये इसी से पता चलता है। ये देखिए, ये जो नीचे लगे हुए हैं ये पुराने ज़माने के हैं। और ये देखिए इधर भी है, ये दो तीन हवेलियाँ कंटिन्यू लाइन से हैं जो काफ़ी पुरानी पुरानी हैं और काफ़ी बड़ी हैं, दो तीन चार मंजिल तक ऊपर हैं। तो ये इस गली के अंदर पहली दुकान है, और ये यहाँ मंदिर। और इधर और आगे चलते हैं, और ये भैया यहाँ पर ये सामान बेच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इनके पास हैं। और ये यहाँ इनको मैंने पूछा है, ये देखिए इनके पास बहुत सारे सामान है, ये क्या है? तो इन्होंने कहा ये टावर चौक है। ये देखिए, ये काफ़ी बड़ा टावर एक बना हुआ है और चारों तरफ इसके रास्ते निकलते हैं। देखिए इधर रोड जा रही है,
ये देखिए इधर भी एक रोड है और इधर ये गाड़ी गई है, इधर भी एक रोड है और इधर से हम चल के आए, इधर भी एक रोड है। तो ये टावर चौक है और अंदर एक मूर्ति बनी हुई है, ये यहाँ का टावर चौक देख लीजिए। धन्यवाद भैया आपने बताया उसके लिए, धन्यवाद आपका। ये आइए और आगे चलते हैं वापस मार्केट की तरफ और देखते हैं आगे। और ये टावर चौक से हम इधर आए हैं तो आप ये देखेंगे ये पूरा मार्केट यहाँ का। और ये सामने एक मंदिर बना हुआ है और ये एक पुराना सा बड़ा सा पेड़ है। और यहाँ ये भाई अंडे की दुकान लगी खड़ा है, इधर भी अंडे हैं, यहाँ पर अंडे ही अंडे हैं। और यहाँ ये रॉयल राजस्थान भोजनालय, इसमें चलते हैं और ये खाना देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पर, आपको पता नहीं होगा। अच्छा अंदर लिखा है, भैया ने बताया थाली का प्राइस, ये थाली यहाँ पर मिलती है, अलग अलग थाली है, आलू पराठा, सत्तू पराठा, पनीर पराठा, रॉयल राजस्थानी भोजनालय, किरण सिनेमा के सामने। किरण सिनेमा कौन सा है? इधर ये किरण सिनेमा है, ये देखिए ये किरण सिनेमा के सामने ये भोजनालय और ये साथ में मंदिर। और ये जैन थाली, मारवाड़ी थाली, गुजराती थाली, ये ऐसे यहाँ पर थाली है। आइए देख लेते हैं क्या रेट है, खाना खा लेते हैं। और ये थाली की रेट यहाँ लिखी हुई है, अलग अलग तरह की थाली, 60 की, 70 की, 100 की, 120 की, अलग अलग 140, 160, अलग अलग थालियाँ, अलग अलग रेट है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मैं खाना खा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।